झांसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में होगा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने बताया कि इस अदालत में वाहनों के चालान, सिविल और बैंक के मामलों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। झांसी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। झांसी में, झांसी के लोगों के लिए विशेष अवसर है कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सभी तरह के कैंप लगे हैं, सभी कोर्टें निस्तारित कर रही हैं, वो आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। झांसी जिले में सुबह की भारी बारिश के दौरान ग्वालियर बाईपास पर पुलिसकर्मियों ने एक ढाबे मालिक से जबरन खाना मंगवाने का प्रयास किया। ढाबे मालिक ने मना करने पर पुलिसकर्मी गाली गलौज पर उतर आए और कहा कि वो बाद में उन्हें देख लेंगे। कासगंज के पटियाली तहसील में बाढ़ से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे रास्ता बंद हो गया और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टूटे पुल को मरम्मत और नाव की व्यवस्था की मांग की गई। विकास खंड पोखरी के सेनाओं में 10 दिवसीय पांडव नृत्य के 8वें दिन गढ़वाले चक्रव्यूह का मंचन हुआ। केदार घाटी मंडड़ा ग्रुप ने महालो लोक नाट्यम चक्रव्यूह का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें गांव के कलाकारों ने भी भाग लिया। उद्घाटन बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने किया। महाभारत के चक्रव्यूह का मार्मिक दृश्य दर्शकों को भावुक कर गया। जो परंपराएं हैं हमारे सनातन संस्कृत में रची बसी हमारे क्षेत्र के लोगों में, और इस क्षेत्र में आप जानते हैं जहाँ के कंकण कंकण में भगवान शंकर बसे हुए हैं, हर धारा माँ गंगा है। और आपको जान के ताज होगा कि जो यहाँ पे पांडव नृत्य चला वो महाभारत भी इसी बद्रीनाथ विधानसभा में लिखी गई थी, इसलिए यहाँ के लोगों में के मन मस्तिष्क में बसा हुआ और हर साल हर ग्राम सभाओं में इस तरह का आयोजन होता है। उसके लिए सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। हापुड़ और मेरठ की संयुक्त पुलिस टीम ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 5 क्विंटल, 1 किलो, 140 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और तस्करी में प्रयुक्त कैप्सूल वाहन भी बरामद किया। कासगंज के सहाबर कस्बे में ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया और युवक ट्रैक्टर में लगे हैरो की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर गया। घटना से मृतक के परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। बस्ती की दुबोले थाना क्षेत्र में गांव वालों ने शराब के नशे में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले शहदे रोशन राजभर को पकड़ा और जमकर पीटा। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आज दिनांक 9/9/24 को मेरी लड़की स्कूल जा रही थी, रास्ते में बंधे के नीचे रोशन राजभर पुत्र रामबख्श राजभर, उम्र 20 वर्ष, निवासी नाऊपुरवा उजी थाना दुगौलिया, जो शराब के नशे में था, जो मेरी लड़की को बुलाया। मेरी लड़की वहां से भागकर चिल्लाने लगी। उक्त सूचना पर थाना दुगौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 156/24 धारा 296A BNS पंजीकृत होकर विवेचना जारी है। अभियुक्त का चालान धारा 170, 126, 135 BNSS किया गया है। महाराजगंज के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र में एक युवती अचेत अवस्था में शौचालय में पाई गई। उसके पिता ने चाचा चाची पर हैवानियत का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसमें जमीनी विवाद का मामला बताया। CEO आभा सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस रेल मामले में पूछताछ के बाद छोड़े गए शाहरुख को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उसने फेसबुक पर नाम बदलकर राजा नाम की आईडी बनाई थी और भगवा अंगोछा पहनकर फोटो डाली थी। पुलिस शाहरुख की आईडी और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो की जांच कर रही है। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड को 9 सितंबर को आशिया एक्सपोर्ट कंपनी ने प्रतिबंध पशु का काटांस होने की सूचना मिली। DCP निमेश पाटिल ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर प्रॉलीमा सिब्बल ने नासिल उल हक को कंपनी चलाने का अनुबंध दिया था। पशु विभाग और FSL ने जांच के लिए सैंपल लिया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 9 सितंबर 2024 को थाना लिंक रोड पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अर्शिया एक्सपोर्ट्स इस कंपनी में प्रतिबंधित पशुओं का कटान हो रहा है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए
तुरंत ही पुलिस ने मौके पर जाके जाँच की तो इसमें पाया अर्शिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ये कंपनी के डायरेक्टर प्रोमिला सिग्बल हैं। इनके द्वारा एक एग्रीमेंट के तहत ये कंपनी चलाने के लिए नासिर उल हक नामक व्यक्ति को सबलेट की गई है। गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 3 लड़कियां गायब हो गए। थाना सिहानी गेट पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से उनका पता लगा लिया। डीसीपी राजेश कुमार ने बताया कि 2 लड़कियां 7वीं कक्षा और 1 8वीं कक्षा की है। सभी लड़कियां सुरक्षित वापस विद्यालय पहुंचा दी गई हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से आज सुबह करीब 5 बजे 3 लड़कियाँ गायब हो जाती हैं जो हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई करती थी। 2 उसमें 7th की थी और 1 8th में पढ़ती थी। इस संबंध में विद्यालय के वार्डन द्वारा थाना सियानी गेट को सूचना दी जाती है। सियानी गेट पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है, विद्यालय के कैमरे आदि को खंगालती है। इसके अलावा फिर और भी कैमरे देखे जाते हैं, सर्विलांस की भी मदद ली जाती है। तो अब ये 3 लड़कियाँ पुलिस की जो तलाश हुई है उसमें 3 लड़कियाँ आ गई हैं, मिल गई हैं और इनसे इनके जाने के संबंध में इनसे पूछताछ कर जानकारी ली जा रही है और अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रायबाला के गहरी माफे स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सूरज कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूरज अपनी बुआ के घर गया हुआ था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जाँच में जुटी है।